सबसे पहले आपसे ही शुभम त्यागी जी शुरुआत करते हुए, अगर इस बारे में ऐलान किया जाता है कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरी, तो फिर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल ये दोनों ही बड़ी नेता पैदा करेंगे। डर है आप लोगों को कि ये मैदान में आ जाएंगे तो फिर खेल बिगड़ सकता है वहां पर बीजेपी का? चित्रा जी, डर नहीं, खुशी है। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी का जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस बार अगर वो अमेठी आते हैं तो अमेठी उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। हालात और डर किसके खराब हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। अगर मैं रायबरेली की बात करूं, 72 साल के हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में अप्रोक्सीमेटली 66 साल वहां पर जो है कांग्रेस रही, और 66 में से 54 साल गांधी परिवार रहा। आज हालात ये है कि उनके पास कैंडिडेट देने को नहीं है, दो लिस्ट आ चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, मेरी पार्टी के बड़े नेता पहली दूसरी लिस्ट में जो सब थे, सबके नाम सामने हैं। अगर कोई अपनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट होता है तो इस तरीके से नाम आ जाते हैं। लेकिन गांधी खानदान अच्छे तरीके से जानता है कि चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, इस बार हार जो है राइटिंग ऑन द वॉल है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे देश में जीजाओं का विशेष सम्मान होता है, लेकिन जीजा जी जिस तरीके से बार बार इधर उधर जाकर कैमरामैन को और टीवी को बता रहे हैं कि भाई मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं, मैंने वहां पर 1990 से प्रचार किया है, 2000 से प्रचार किया, उनको मौका मिल जाए तो और भी बेहतर है, और आसानी हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड राहुल गांधी का रहा है, जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली को इन्होंने एक पूरे तरीके से पिछड़ा क्षेत्र करके छोड़ दिया है, जिस तरीके से वहां जाते नहीं, आज आजादी के बाद 72 साल में घर नहीं बना पाए, अमेठी और रायबरेली ने इस परिवार को क्या क्या नहीं दिया। और मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे वो 3 इंटर कॉलेज का विषय हो, 200 बेड का मेडिकल कॉलेज का विषय हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे महिला विद्यालय हो, 3 इंटर कॉलेज हो, सैनिक स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कृषि अनुसंधान केंद्र हो, 1.5 लाख घर हो, उतने ही बिजली के कनेक्शन हो, 250 गांवों में पक्की सड़कें हो, एक 203 की फैक्ट्री हो, 4 लाख शौचालय हो, और करीब 495 तालाब हो, ये काम किया है स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में। राहुल गांधी ने क्या किया? नहीं नहीं वो राजीव जी के बेटे हैं ना, इस वजह से वो बड़े नेता हैं, उनको तो जीत की गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये दादी जी की ना कहती थी और वो फलाने के बेटे हैं, इस वजह से उनको जीत जाना चाहिए, विषय साफ है। अमेठी रायबरेली की जनता ने इस बार ठान लिया है, गांधी परिवार चुनाव लड़ने के बाद ना वहां जाता है, ना वहां की जनता की सुध लेता है, ना वहां के बारे में आप तो ज्ञान रखते हैं ना नॉलेज रखते हैं। दोनों बड़े नेताओं का ऐलान नहीं किया गया, आप लोगों ने भी तो रायबरेली से नहीं दिया है ना नेता, और अभी भी यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी इंतजार किया जा रहा है, तो बीजेपी का भी तो चाल चरित्र वैसा ही है सीटों के मामले में, कैसे अलग हो गए आप लोग? और रायबरेली में क्यों नहीं कैंडिडेट उतारा अब तक? नहीं नहीं बिल्कुल अलग है चित्रा जी, क्यों? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अलग है, क्योंकि कांग्रेस की, गांधी खानदान की दोनों ही सीटें पारंपरिक सीटें हैं, वो हमेशा से वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। हम तो तैयार बैठे हैं कि दीजिए ना कैंडिडेट, हम तैयार हैं, हम लड़ने को तैयार हैं। जहां हमारे देश के बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, सबका चुनाव, सबका जो है अनाउंस हो चुका है, ठीक है, आप भी कर दीजिए, आइए लड़िए और हार कर जाइए। अब मैं जवाब ले लेती हूँ, सुनील सिंह यादव जी, क्या बदल जाएगा अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी से चुनावी मैदान में आ जाएंगे? 2019 में भले ही आप लोगों ने उनके साथ चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन न जाने कितने बार के चुनावों से ऐसा होता आ रहा है जब गांधी परिवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है, तो पहले भी आप लोगों का वोट उनके खाते में जाता रहा है, उसके बावजूद अमेठी से हार का सामना तो राहुल गांधी को करना पड़ा था, और 2014 में अगर वो जीते थे तो उनका जीत का मार्जिन भी काफी ज्यादा कम हो गया था 2009 के मुकाबले। क्या बदल जाएगा दोनों नेता अगर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो? देखिए चित्रा जी, वही बदल रहा है जो 19 से लेकर के 24 तक इस देश में बदल गया है। 19 की महंगाई देखिए, 24 की महंगाई देखिए, 19 की बेरोजगारी देखिए, 24 की बेरोजगारी देखिए। 19 से पहले की क्या स्थिति थी देश की सीमाओं की, अब क्या स्थिति है देश की सीमाओं की? जो 19 में जुमले थे वही 24 में गारंटी हो गए हैं। देखिए क्योंकि पूरा देश, ये देश का चुनाव है ना चित्रा जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात को मैं बड़े दिल से कहता हूं कि पूरे देश ने बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ दो दो बार बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत दिया। प्रधानमंत्री जी के उन भरोसों पर जो वो आज जुमले बन गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा हम देश नहीं बिकने देंगे, लगभग देश के सारे संस्थान बेच दिए हैं, उन्होंने कहा हम महंगाई से लड़ेंगे, तो वो मुझे लगता है जो 20-25 उद्योगपति देश में हैं उनके लिए ही काम करते रहे। और अगर प्रधानमंत्री जी ने गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, बेरोजगार के लिए अगर काम किया होता तो आज उन पर बात करते ना। प्रधानमंत्री जी की भाषा देखिए,
कहीं गरीबी है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं देश की सीमा पर बोल रहे हैं, कहीं कुपोषण पर बोल रहे हैं, कहीं शिक्षा पर बोल रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य पर बोल रहे हैं। और मुझे याद है अभी भी आपके चैनल में मैं देख रहा था जब माननीय अखिलेश यादव जी ने नामांकन किया परसों, तो आपके पत्रकार साथी ने पूछा कि अब आपके दोस्त भी यूपी में आएंगे, तो हमारे नेता ने स्वीकार किया कि हाँ वो भी आएंगे। हाँ। और जो ये लोग कह रहे थे कि दो लड़कों की जोड़ी, तो हम तो स्वीकार कर रहे हैं, जय वीरू की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आ गई है। अब गब्बर सिंह अपनी खैर मनाए कि जनता उनका क्या करेगी, गब्बर सिंह तो फंस गए ना, जय वीरू के सामने गब्बर सिंह फंस गए, इसीलिए गब्बर सिंह की भाषा देखिए। अब कितने प्रत्याशी पूछ रहे हैं, कितने आदमी पूछ रहे हैं गब्बर सिंह, लेकिन मुझे भरोसा है जय वीरू की जोड़ी के सामने उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। ठीक है, इनकी झूठ का, इनके भ्रष्टाचार का। ठीक है चित्रा जी, आपने कहा ना बदलाव क्या है। हाँ। जो बीजेपी 2019 में अपने आप को राष्ट्रवादी कह रही थी, देश का एक एक आदमी जान गया कि ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और नोटिस चुनाव आयोग ने दिया है, क्या ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे इनसे पूछे, या आपको याद हो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को जहरीले बोल बोलने के लिए, धार्मिक भाषण देने के लिए क्या चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है? ठीक है, ये दुर्भाग्य है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को नोटिस मिला है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी की पूरी पोल खुल गई चित्रा जी। ठीक है, कुछ नहीं है। हाँ। उनकी झोली में ना तो गरीब है, उनकी झोली में ना किसान है, उनकी झोली में ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना देश की तरक्की है, केवल भ्रष्टाचार, झूठ और जहर है। बोलिए शिवम त्यागी जी, उनके बातों पर जवाब दीजिए ऋषि साहब, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। ठीक है शिवम जी, 2014 के बाद से विपक्ष के प्रवक्ताओं की थोड़ी तो भाषा या जबान बदली होती, वही एक रिपीटेड स्कोप है, सब कुछ वही बोला है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, कागज के शेरों को जबरदस्ती बब्बर शेर कह देने से वो बब्बर शेर नहीं हो जाते। ये जय वीरू जिनको आप युवा युवा बताते हैं, इन युवाओं को उत्तर प्रदेश ने पहले भी देखा है और पहले भी हरा कर देगा। आ जाइए, फिर से तैयार है, इस बार कन्नौज भी हारेंगे, रायबरेली भी हारेंगे, अमेठी भी हारेंगे। आपके पास अमेठी से, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला ना बीच में आके, अमेठी रायबरेली के बारे में एक चीज आपने बताई नहीं, विकास के बारे में एक चीज आपने बताई नहीं, दोनों साथ साथ लड़ते रहे, आज तक कुछ दे नहीं पाए, प्लीज बीच में मत बोले। आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लेते हैं प्लीज, क्या लाभ है। हाँ बोलिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अमेठी रायबरेली को लेकर कोई प्लान नहीं है। अमेठी रायबरेली में पिछले 70 सालों में कुछ किया है? नहीं पता। अमेठी रायबरेली में कभी कुछ काम करके जनता को बताते? नहीं बता पाया। क्या बताया? यही सब ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये रेटोरिकल जुमलेबाजी से काम नहीं चलता भाई। बताइए रायबरेली में, अमेठी में राहुल गांधी को पिछली बार कब देखा था आपने? बताइए प्रियंका जी को पिछली बार कब देखा था आपने? बताइए सोनिया गांधी जी को कब देखा था आपने? नहीं देखा ना। आपको बार बार चुनकर भेजते रहे क्योंकि आप जी फलाना खानदान से आते हैं, इस वजह से आपको जीत भेज दिया जाए, जिता दिया जाए, ऐसा नहीं होने वाला। जो अमेठी के लिए काम करेगा वो अमेठी में रहेगा, जो रायबरेली के लिए काम करेगा वो रायबरेली में रहेगा। आप दिल्ली से अमेठी तक तो पहुंच नहीं पाते, लंदन चले जाओगे महीने में 5 बार, लेकिन रायबरेली नहीं पहुंच पाओगे, अमेठी नहीं पहुंच पाओगे, और चुनाव में जाकर कहोगे कि नहीं हमें जिता दीजिए और इस बार हम हवा बदल देंगे, कुछ नहीं बदलने वाला, सुबह 11 बजे हार जाओगे। बोलिए कितने दौरे किए हैं अमेठी से वायनाड जाने के बाद राहुल गांधी ने? चित्रा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा बार आप अमेठी और रायबरेली आए होंगे। इनकी खैर कोई गलती नहीं, इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कागज मिल जाता है वही पढ़ देते हैं। मैं तो इनसे कहूंगा एक बार आइए शिवम भाई, आप रायबरेली घूमिए, अमेठी घूमिए और देखिए कि एम्स किसने बनाया।